कस्तो नहेरिकन ब्याग गर्छ हौ यहाँ त कति खेप बढ्यो भमिट त मैले नि होइन सात खेप सर मैले भमिट चाहिँ गरेन कि बाइकमा चाहिँ निदायो है जाने तिमी हर कोई सफर शुरू होके अंत होना निश्चित है। इसी तरह हम लोगों का छंगू लेक का सफर भी अंत होने ही वाला है। अब बस दो तीन मंजिल या स्पॉट ही बाकी है। हम मनुष्य जो सफर खुद से तय करते हैं उसका अंत कब और कहाँ होना है वो सब दिमाग में अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी जीने का सफर होता है उसका कोई भरोसा नहीं कब और कहाँ ख़त्म होगा। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा है, Life will never provide warranties and guarantees. It can only provide possibilities and opportunities. So, जब भी मौका मिले जिंदगी अच्छे से जिए। क्या मजा आयो
अभी ये मेरे पीछे जो है ये हरभजन बाबा जी का मंदिर है और यहाँ पे एक कहावत है और बिलीफ है कि जो हरभजन बाबा हरभजन सिंह है वो एक आर्मी में था, इंडियन आर्मी में, और वो गुजर जाने के बाद भी वो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है। उसका जो स्प्रिट है वो आत्मा में आके उसके लिए गाड़ी भी बनवा के रखा है, उसके लिए सीट भी खाली रखता है। कहीं भी इंडियन आर्मी का गाड़ी जाएगा उसके आगे वाला सीट उसके लिए खाली रख देता है, क्योंकि वो बाबा हरभजन का जो स्प्रिट है वो आके बैठेगा उसमें सवारी होके, और हमारा इंडियन जो भी बॉर्डर है उसको सिक्योरिटी देगा बोलता, ऐसा विश्वास हमारा इंडियन आर्मी लोग करता है। सो इसीलिए ये मंदिर भी इधर बनाया है वही बिलीफ के कारण। सो यहाँ पे चाय का चीज लेते हुए आपका भाई, यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा आपको दिखाने वाला है हम, देखिए आगे। चेक द गाइस व्यू बना रहा,
20 में नजानू 20 में नजानू।